हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है और बीएससी में हमारा फिजिक्स चल रही थी। फिजिक्स में हमारा तीन यूनिट चल रही थी, तीसरी यूनिट की ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्लियर कराए थे। आज की वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लिया है हमने, सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। आज की इस वीडियो में हम द्रव्यमान केंद्र को समझेंगे, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, उससे रिलेटेड 10-12 पॉइंट ऐसे जो द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली एक लीनियर क्वेश्चन बनता है आपका। फिर आगे द्रव्यमान केंद्र से संबंधित 2-3 डेरिवेशन है, वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो द्रव्यमान केंद्र आज की वीडियो में पूरा कंप्लीटली हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए द्रव्यमान केंद्र को डेफिनेशन समझते हैं, द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन। और डेफिनेशन से पहले बेसिक आप समझिए कि फिजिक्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, द्रव्यमान केंद्र का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप सीख लीजिए यहां पर, क्या कि जैसे कि आपका वेग क्या रहता है कि भैया आपको पता है किसी भी वेग यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय या समय अंतराल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको आप डिफरेंशिएट की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि भैया v बराबर होता है ds/dt, यानी कि ds वेक्टर, क्योंकि ये वेग होता है तो वेक्टर रूप में लिखा जाता है। और इसी को यदि v बराबर ds/dt लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये चाल हो गई, ये वेग हो गया, ये वेक्टर है यानी सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। तो नॉर्मली हमें सदिश समझाने का मतलब नहीं है, यदि कोई किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश आपका दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, तो मतलब ये हो गया कि भैया वेग यदि निकालोगे आप तो क्या कर दोगे, dr/dt लिख दोगे, तो ये वेग बन गया। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या स्थिति सदिश के समय परिवर्तन दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ऐसे ही फिर त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण का मतलब dv/dt कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आ रहा है बात, तो इसका मतलब ये है यदि मैं कहूँ a1 कह दूं मैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt आ जाएगा। और यदि मैं यहां पर a2 कहूंगा तो क्या आ जाएगा, d/dt, और ये क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समय में समय परिवर्तन की t1d t2 ऐसे नहीं लगाते, केवल v1 v2, ठीक है, समय परिवर्तन की समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर। तो ये कोई भी कण है, जैसे मान लीजिए चार कण, दो कण दे रखे हैं, ये v1, इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, तो ये पहले कण का त्वरण आ गया, दूसरे कण का त्वरण आ गया। समझ में आ गई बात। और जैसे कि कोई वस्तु है, इसमें बहुत सारे कण है, जैसे तीन कण है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m3 है, इसका मैंने मान लिया इसका त्वरण a1 है, इसका त्वरण a2 है, इसका त्वरण a3 है, इस पर कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है f, ठीक है, ये कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तो मतलब ये हो गया कि भैया एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा कि भैया ये अलग अलग कण पर लगने वाले बल के बराबर होगा, यानी कि ये तीन कण हैं तो यही एक्सटर्नल फोर्स, यदि ये कोई वस्तु है, ध्यान समझ लो, ये कोई वस्तु है जो तीन कणों से मिलकर बन रही है, तो यदि हमें इस पर कोई फोर्स लगाऊं तो ये तीनों कणों के फोर्स जो लग रहा है उसके योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो मतलब ये है कि भैया ये क्या हो जाएगा, m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब समझ गए कि f1 f2 f3, मतलब ये है कि ये सारे को जोड़ देंगे तो ये अपने आप में एक बाह्य बल बन जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, या फिर मैं कह रहा हूं जैसे देखिए इस पूरे मार्कर पर मैंने एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, बाह्य बल, तो अब मान लीजिए इस कैप पर तो लगा 2 न्यूटन का, प्लस इस पूरी बॉडी पर लगा 8 न्यूटन का, तो मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो बल था
एफ एक्स की मैंने बाहर का जो फोर्स लगाया ये एफ वन प्लस एफ टू दो भागों में बट गया। एफ वन मतलब इस कण इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ये हो गया, इस पर लगने वाला फोर्स ये हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई, ठीक है। दोनों का सदिश योग निकाला तो वो भी 10 न्यूटन ही बैठेगा। क्लियर है बात? तो ये चीज दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आप सीधे द्रव्यमान केंद्र पर आते हैं, द्रव्यमान केंद्र को समझते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा मैंने कि फील करके पढ़ना है आपको। द्रव्यमान केंद्र पहले समझने का प्रयास करो। जैसे कि कोई पंखा यदि रात में चलता काफी तेज घूम रहा होता है तो उसकी पंखड़ी आपको नहीं दिखाई देती है, केवल बीच में से घूमता हुआ केवल बीच में एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है। ऐसे ही यदि गाड़ी का पहिया यदि वो तेज रफ्तार से मूव करने लगे यानी घूमने लगे गति करने लगे मोशन करने लगे तो आपको पूरा पहिया नहीं दिखाई देता है, उसमें केवल एक पॉइंट दिखाई देता है, गोल 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 इस दूरी पर वो घूम रहा है, ठीक है। ऐसे यदि मैं बात करूं इसको यदि मैं तेज इस तरीके से घुमाऊंगा तो ये तेज यदि घूमेगा तो ये केवल बीच में से दिखाई देगा, ना कि ये ऊपर के दिखाई देंगे। ये तो एक बात रही, यानी कि वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है। ऐसे ही यदि मैं इसको ऐसा करके देखिएगा, ये इसको मैं यदि बैलेंस करने लगूं तो यहां पर देखिएगा ये देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। यदि मैं यहां से बैलेंस करूं ये इधर गिर जाएगा, यदि यहां से करूं इधर गिर जाएगा। और मैं इसी चीज को मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें मान लीजिए ऐसा समझो कि दो पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, मैं दो पॉइंट मान लिए इस पॉइंट को ये, ठीक है। अब ये मैंने दो पॉइंट मान लिए इसके, और इस दो पॉइंटों से मैं क्या कर रहा हूं इसको आगे भगाना चाह रहा हूं, इधर गति कराना चाह रहा हूं इसकी ऐसे, तो क्या होगा इन दोनों पॉइंटों पर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तब ऐसा तो है नहीं कि यदि मैं इधर से फोर्स लगाऊं इस पर ऐसे नहीं जा सकता है ना, इधर नहीं जा सकता। और यदि मैं इधर भी फोर्स लगाऊं तो ये आगे चला जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। यदि मैं यहां पे लगाऊंगा तो इस तरह से आ जाएगा, यदि यहां पे लगाऊं तो इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि इसमें मैं इसी तरीके से ट्राई करता रहूं, यहां पे लगाऊं यहां पे लगाऊं यहां पे लगाऊं, लेकिन एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलेगा इसके बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है, यदि मैं यहां पे लगा दूंगा तो इधर चाहूं तो इधर चलो गिर गया, चलो कोई बात नहीं, तो इधर चाहूं तो इधर चला जाएगा। ऐसे करके मैं बीच में से यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया मुझे ऐसे, जहां पर ये बैलेंस हो रहा है, ऐसे चाहूं ऐसे, पीछे चाहूं पीछे, ऊपर चाहूं ऊपर, नीचे कहीं पर भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कर सकता हूँ। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर बैलेंस भी कर सकता हूँ इस तरह से, देखिएगा ये बैलेंस भी कर लिया, ठीक है। ये देखिएगा कहाँ ये बैलेंस, कुछ तो ऐसी खास चीज है इस पॉइंट में जहां पर हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि हमको इस पूरी वस्तु पर फोर्स ना लगाकर हम उसी बिंदु पर फोर्स लगा ले तो ये जिधर चाहे उधर हम घुमा सकते हैं इसको, और इसको हम मतलब इस पूरी वस्तु को गति कराने की बजाय हम उसी पॉइंट को गति करा दें तो समझ लेना पूरी वस्तु गति घूम जाएगी है। यदि हम इसको यहां से ना घुमा के ना तो बीच में से घुमा दे एकदम पूरा घूम जाएगा, है ना, समझ आई बात। तो वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो द्रव्यमान केंद्र से हमने कुछ चीजें हमने सीख ली, क्या सीख ली, एक चीज और समझो। जैसे कि आपने देखा होगा पार्कों में मोस्टली क्या होता है, इस तरह से आपका ये है और यहां पर क्या है आपका एक इस तरह से ये बना होता है, यहां पर आपका ये बैठने के लिए सीढ़ी टाइप की बनी रहती है, ठीक है, यहां पर और एक यहां पर सीढ़ी टाइप की बनी होती है, ऐसा समझो ये, ठीक है। इस पर एक व्यक्ति ऐसे बालक झूलते रहते हैं। अब मैं इसको बराबर करना चाहूं, देखिएगा मैंने इसमें बीचों बीच में यहां पर बराबर कर दिया, तो अभी ये क्या है ऐसे करके मैं तराजू समझ लो ये दोनों बराबर है। यदि मैं यहाँ पर क्या करूं, यहां पर मैं 50 किलोग्राम वजन रख दे रहा हूं और यहाँ पर भी 50 किलोग्राम मैंने भार रख दिया या 50 किलोग्राम मैं द्रव्यमान रख दिया तो ये दोनों बराबर हो गया। यदि मैं इसको 150 किलोग्राम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, क्यों, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बीचों बीच से मैंने ऐसे पकड़ रखा है। तो अब मुझे ये दोनों बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहां से यहां की वजह मुझे इधर की साइड से पकड़ना पड़ेगा, यदि मैं इधर की साइड से पकड़ूंगा तभी ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे ऐसा समझो, और मैं आपको समझाऊं, यदि मेरे पास में जैसे कि ये ऐसे मैंने बिल्कुल ऐसे कर रहा कि ये बराबर है और यदि मैं यहां से वजन लगा दूंगा इस पर तो ये इधर की साइड में झुक जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैं यहां पे वजन करूंगा तो मुझे ऐसे करके ये देखिएगा ऐसे है ये बिल्कुल एकदम, यदि मैं यहां पर वजन लटका दूंगा इस पर तो ये इधर की ओर झुक जाएगा, तो मुझे इधर की ओर बैलेंस करने के लिए हमको इधर से पकड़ना पड़ेगा तभी तो ये बराबर आ पाएगा। देखो मैंने ऐसे कर दिया तो इधर की ओर झुक रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जब कुछ भार लटका दूंगा इधर की साइड में ऐसे तो ये इधर बराबर हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो द्रव्यमान
पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डिसाइड कर रहा है कि द्रव्यमान किधर की ओर ज्यादा है, जिधर की ओर ज्यादा है ये पॉइंट भी उधर की ओर खिसक रहा है, जहां से हम बैलेंस कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए वो पॉइंट भी इधर उधर खिसक रहा है। समझ गए बात को? तो अब हम द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा पर फिर से आ जाते हैं। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा है क्या? सर आपने गोल 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 घुमा दिया, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आई। समझो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो इस प्रकार से व्यवहार करता है या इस प्रकार से अपने आप को दर्शाता है कि जैसे कि वस्तु पर लगने वाले सभी बल उसी पर कार्यरत हों और वस्तु का समस्त द्रव्यमान भी उसी पर केंद्रित हो। किसी भी वस्तु के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे मानो वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि वस्तु पर लगने वाले सभी बाह्य बल उसी पर कार्यरत हों, तो उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ मास कहेंगे। समझ में आ गई? ये परिभाषा भी आपको लिख के बताएंगे क्या लिखनी है आपको। समझ में आ गई बात? तो दो पॉइंट को याद रखना है क्या, कि किसी भी वस्तु के अंदर एक द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर वस्तु का सारा द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित होता है और वो इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि मानो वस्तु पर लगने वाले सारे बाह्य बल उसी बिंदु पर कार्य कर रहे हों। मतलब इस तरह से एकदम होता है ना, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जैसे कि लगता है कि सारा पूरी दुनिया का भार उसी पर चल रहा है, जैसे कि मानो कि वो इस तरह से व्यवहार करता है आपके सामने, बात बात ऐसे करेगा जैसे कि लग रहा हो कि जैसे वही कमा रहा हो, बाकी दुनिया कोई नहीं कमा रही, या वही कोई काम ऐसे अनौता कर रहा हो अकेले तरीके, तो ये उसी तरीके का होता है। ठीक है, चलिए इसको डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है और द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि अभी अभी आपको हमने समझाया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसी की डेफिनेशन जो हमने बताई थी वही यहाँ पर लिख दी गई है। क्या लिखी है? कि जब कोई निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तब उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करे, उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर कार्यरत हों, तो तब इस बिंदु को ही हम इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी या सी एम से प्रदर्शित करते हैं। समझी गए होंगे? यानी कि निकाय में, यानी किसी भी निकाय का कोई एक ऐसा बिंदु जो इस प्रकार से गति करे कि जैसे मानो सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि जैसे उस पर लगने सारे जो वस्तु पर जो बल कार्य कर रहे हैं तो मानो कि जैसे उसी पर कार्यरत हों। ठीक है, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए, एक और खास बात यह है, द्रव्यमान केंद्र को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है, द्रव्यमान केंद्र को ही हम संहति केंद्र के नाम से भी जानते हैं। संहति केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र को ही हम संहति केंद्र कहते हैं। ओके, चलिएगा। अब द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिएगा। क्या है सबसे पहला पॉइंट? देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, बहुत ही प्यार से हम समझेंगे कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा मत सोच लेना आप कि द्रव्यमान केंद्र पढ़ रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र वहीं होगा जहां पर द्रव्यमान है। ऐसा भी हो सकता है जहां पर द्रव्यमान ना हो फिर भी वहां पर द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। कोई इस प्रकार की वस्तु हो जहां पर द्रव्यमान केंद्र नहीं है तो वहां पर भी द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। जैसे देखिए, आप ऐसा समझिए, देखो इसको, ये डिस्क है, डिस्क समझते हो, डिस्क यानी कि रुपया, और रिंग, रिंग समझते हो जैसे कि आपने उंगली में छल्ला पहनते हो वो। ठीक है, मोटरसाइकिल के टायर को निकाल दो बाहर तो उसके बाहर बाहर क्या होगा? मास होगा और अंदर से खाली होगा। तो ये देखिएगा, तो इस डिस्क का जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, रुपया यदि हम ले लें, एक का सिक्का ले लें, 10 का सिक्का ले लें, तो उसके बीचों बीच में द्रव्यमान केंद्र पाया जाएगा। और जो रिंग होगी, रिंग 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 जो होगी, देखिएगा, ये रिंग है, इस तरीके की रिंग जो आप हाथों में पहनते हो, ऐसा समझ लो ये डार्क वाली रिंग है। और ये जो इसके बीचों बीच में रिंग का
द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास बीच में होता है और इसका डिस्क का ही बीच में होता है। तो देखिए डिस्क यहाँ पर तो यानी रुपया ले रहे हो, ऐसा समझ लो एक का सिक्का है, पाँच का सिक्का, दस का सिक्का, तो यहाँ मतलब पूरे रूप से द्रव्यमान वितरित है, लेकिन यहाँ पर तो वितरित नहीं होगा। जैसे एक और समझाता हूँ आपको, देखिए ये लाइक ये क्या है आपका, देखो लकड़ी का कटा हुआ टुकड़ा है गोल, तो इसको बोलेंगे ये है आपका डिस्क, ये क्या होगी डिस्क। और ये देखिए देखा ये बिल्कुल ये खाली खाली बिल्कुल ऐसे खाली है, बीच में ये खाली है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिंग। तो इसका इन दोनों का यदि हम बात करें द्रव्यमान केंद्र की, तो इसका भी द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर बीचों बीच में होगा और इस रिंग का भी द्रव्यमान केंद्र इस बीचों बीच में होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये समान रूप से द्रव्यमान इसमें वितरित है, तो द्रव्यमान है यहाँ पर ये द्रव्यमान केंद्र, लेकिन यहाँ बीच में तो ये खाली होगा, इसमें द्रव्यमान केंद्र नहीं है। तो मतलब द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी, इसका मतलब ये है। समझ गए बात को। चलिए और चीज़, एक और चीज़ समझिए, जैसे कि ये देखिए कोई एक लोहे का ऐसा समझ लीजिए, लोहे का ऐसा एक स्केल होता है ना लोहे जैसा ऐसा, तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे बाहर की ओर मिलेगा, यानी कि कोई भी एक लोहे की पट्टी ले लो इस तरीके की ऐसे, और उसको इस रूप में लोहे की चादर है इस रूप में काट दिया हमने, और इस पर द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक द्रव्यमान फैला हुआ है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा बाहर की ओर। तो मतलब द्रव्यमान केंद्र कहीं पर भी हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है वस्तु के और बाहर भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट यही है, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, बाहर कहीं भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर ही होगा, बाहर भी हो सकता है। जैसे कि देखिए ये देखिए इन तीनों को, ये डिस्क है, ये रिंग है और ये आपका कोई भी एक वस्तु है इस तरीके की, इसमें समान रूप से द्रव्यमान वितरित है। तो द्रव्यमान वितरित है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको ऐसा समझ लीजिए, आप समझ पा रहे हो ना, जैसे कि हम इसको चक्की को घुमा दें तो ऐसे ये पॉइंट दिखाई देगा, ऐसे इसको घुमाएंगे ये पॉइंट दिखाई देगा, इसी को हम घुमाएंगे ऐसा समझो, जोर जोर से इसको पूरा करके घुमाने लगे तो ये बीच का बन जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र। चलिए आगे, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखिएगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये कौन डिसाइड करता है कि यानी कि द्रव्यमान कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, द्रव्यमान कैसे कैसे रूप में फैला हुआ है। यदि द्रव्यमान एक समान रूप से फैला हुआ है तो भैया अलग होगा, और यदि असमान रूप से फैला हुआ है तो द्रव्यमान केंद्र अलग होगा। यानी द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ मिलेगा किसी वस्तु में, तो ये डिपेंड करता है कि द्रव्यमान किस रूप से फैला हुआ है, किस रूप से वितरित किया गया, किस रूप से उसका वितरण हुआ है। अगला देखिएगा, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान की ओर होती है। देखिएगा जैसे कि समझो, ये देखिएगा यहाँ पर ये इस तरह से आपका, ये देखिएगा एक बना दी हमने कोई भी एक लोहे की रॉड है, या आपका ये समझो यहाँ पे ये पार्क में होता है ना एक यहाँ पे बैठने वाला, इस तरह से ये बैठने वाला, इधर इधर ये बैठने वाला लगा हुआ है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लोहे का पोल है जिस पर ये टिका हुआ है। ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा दिया आपने, ठीक है एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा दिया, या ऐसे समझो यहाँ पे आपने 5 किलोग्राम वजन रख दिया, यहाँ पे भी 5 किलोग्राम वजन रख दिया, तो अभी ये बराबर रहेगा, एकदम तुल जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आपका 15 किलोग्राम कर दूँ तो क्या होगा, ये इसकी ओर झुक जाएगा। तो इसको अब बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से हटा के हमको ये इधर की ओर रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा बीच में। ऐसे समझो यहाँ पर, समझ पा रहे हो ना बीच को, देखिए ऐसे आप बीच में इसमें लगाओगे तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है, द्रव्यमान केंद्र, तो इसी चीज़ का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो द्रव्यमान केंद्र अधिक द्रव्यमान की ओर केंद्रित रहता है, अधिक द्रव्यमान की ओर होता है, अधिक द्रव्यमान की ओर अग्रसित होता है, ये समझ लीजिए। जहाँ पर ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी साइड में ही द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा होता है। चलिए अगला, कि भैया द्रव्यमान केंद्र का संबंध द्रव्यमान से है, जबकि गुरुत्व केंद्र का संबंध वस्तु के भार से होता है। समझ जाना द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान केंद्र का संबंध द्रव्यमान से होता है, जबकि गुरुत्व केंद्र का संबंध वस्तु के भार से होता है। चलिए आगे, द्रव्यमान केंद्र की गति हमेशा स्थानांतरीय होती है, यानी द्रव्यमान केंद्र कैसी गति करता है, स्थानांतरीय गति करता है, ये चीज़ समझ लेना। आगे देखिएगा, आगे करते हैं हम,
कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र कहीं पर भी है, कहीं से भी उसको माप लें, द्रव्यमान और निर्देश तंत्र कहीं पर भी है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी है, उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं करता। वस्तु जैसी है, वस्तु का द्रव्यमान किस तरह से वितरण है, उस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अथवा वेग आंतरिक बलों के कारण परिवर्तित नहीं होता, यह केवल बाह्य बलों के द्वारा परिवर्तित होता है। यानी द्रव्यमान केंद्र का हम वेग यदि परिवर्तित करने लगे तो वो आंतरिक बलों से, वस्तु के आंतरिक बलों से द्रव्यमान केंद्र का वेग या उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, वो केवल किसके द्वारा होती है, बाह्य बल के द्वारा। तो बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, ये समझ लेना। आगे देखिएगा अगला, कि द्रव्यमान केंद्र के परितः निकाय के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। यानी कि जब भी ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये चीज़ याद रख लेना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। क्या है इम्पोर्टेंट, ये आपको मैं समझा दूँ। जहाँ कहीं पर भी न्यूमेरिकल आएगा और वहाँ पर सिग्मा एम आई और आर आई वेक्टर आ जाएगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, हमेशा याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल के लिए। यानी आघूर्णों का सदिश योग कैसा होता है, शून्य होता है। देखिएगा, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रयास कीजिए। दो कणों के द्रव्यमान केंद्र की हम यदि बात करें तो उसमें थ्योरी क्या लिखी जाएगी, देखिएगा कि भैया हमारे पास में ये दो कण हैं, जैसे कोई भी एक निकाय है वो दो कणों से मिलकर बना है, एक एम वन और एम टू, जिनके ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से स्थिति आर वन वैक्टर ये, और ये आपका आर टू वैक्टर। और हमने मान लिया कि इसी में एक इस निकाय का एक सेंटर ऑफ मास ये है जिसकी स्थिति आर सी एम है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम थोड़ा सा हिंदी में, कि माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रम से एम वन व एम टू हैं, भाई दो कण हैं ये, इनके द्रव्यमान एम वन और एम टू हैं, इन कणों के मूल बिंदु से, मूल बिंदु ओ से स्थिति सदिश आर वन वैक्टर व आर टू वैक्टर है। यानी मूल बिंदु से यहाँ तक आर वन वैक्टर, इसका दूसरा स्थिति सदिश ये आर टू वैक्टर। तो माना दो कण जिनके द्रव्यमान एम वन व एम टू हैं, और इन कणों के मूल बिंदु से स्थिति सदिश आर वन व आर टू वैक्टर हैं। माना यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र सी एम है, यानी सी एम है, तब इसका स्थिति सदिश क्या होगा, यानी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, ये होगा आर सी एम बराबर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बट्टे एम वन प्लस एम टू। ये एम वन प्लस एम टू बराबर क्या हो जाएंगे, ये एम वन प्लस एम टू मिलकर बन जाएंगे निकाय का कुल द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान। समझ में आ गई बात, तो निकाय का टोटल, भाई एक निकाय में यानी एक कोई भी सिस्टम है या बॉडी है उसमें दो चीज़ें हैं, तो दोनों कोणों का योग जोड़ लेंगे द्रव्यमान का, तो वो टोटल द्रव्यमान बन जाएगा। चलिए चलिए, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तो आप समझ ही गए हो, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये देखिएगा। माना कि ये हमारे पास में कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे कि समझ लो ये है, और ये दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल, यानी कि दो कणों से मिलकर बना है। तो ये कोई एक सिस्टम है, कोई भी एक निकाय है, कोई भी बॉडी है, कोई भी एक पिंड है, फिजिक्स की भाषा में कुछ भी समझ लीजिए। तो ये दो कणों से मिलकर बना है, कोई भी एक सिस्टम दो कणों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये एम वन और ये एम टू, दो कणों से मिलकर बना है। और इस ये जिनके दो कण हैं, एक ये और एक ये, इसका द्रव्यमान एम वन है, इसका द्रव्यमान एम टू है, और इस मूल बिंदु से इस एम वन की स्थिति कितनी है, स्थिति ये आर वन वेक्टर है, और इसकी स्थिति कितनी है, ये आर टू वैक्टर है। ठीक है, अब हमने ये भी मान लिया कि इसी कण के अंदर, इस निकाय के अंदर कोई ना कोई एक द्रव्यमान केंद्र भी होगा, जैसा कि अभी हमने बताया है कि ये एक मार्कर है, यानी मार्कर का ये कैप और ये है, ये दोनों मिलकर एक बॉडी बना ली इसने, ये पूरा मार्कर बन गया। ठीक है, ये कैप ये अलग एक होगा। अब इसमें कुछ ना कुछ ये यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, हमने पता कर लिया यहाँ पर है, तो इस बीचों बीच में हमने मान लिया ऐसे, तो ऐसा समझ लो इसमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर हमने मान लिया सी एम यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया, ऐसे करके ये हमने मान लिया इसका आर सी एम मान लिया। तो अब इसका स्थिति सदिश कैसे निकलता है भैया, सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकलता है एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर। यदि इसमें दो कण है तो पहले कण का द्रव्यमान पहले कण की स्थिति सदिश,
प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का स्थिति सदिश, ऐसे ही हमें और कण भी होते उसी तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, नीचे m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। तो ये इस वस्तु का जिसमें दो कण है उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र इस तरह से निकाल देंगे, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे कण होंगे तो आराम से हम किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास आराम से हम फाइंड कर लेंगे। ओके चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से सीखते हैं। ये तो रही दो कणों की बात। यदि इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु में, यानी कि किसी वस्तु में, यानी कोई भी वस्तु, हमें अब हेडिंग आएगी आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आ जाती है, पहले द्रव्यमान केंद्र की गति। इसके लिए इस द्रव्यमान केंद्र की गति को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, या कभी कभी आता है सिद्ध करो, सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, और जैसे कि मानो कि सारे बल उसी पर कार्यरत हों, तो ये कैसे प्रूव करोगे कि द्रव्यमान केंद्र वास्तव में एक ऐसा बिंदु होता है जो इसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि मानो सारा बल उसी पर लग रहा हो, या सारे फोर्स उसी पर लग रहे हो, जैसे कि मानो वस्तु का सारा द्रव्यमान भी उसी पर केंद्रित हो, तो ये ऐसा किस तरह से प्रूव करोगे। तो वो यही चीज है, द्रव्यमान केंद्र की गति आप डाल लोगे हेडिंग, उसको प्रूव करोगे। कैसे करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, थ्योरी थ्योरी कैसे लिखोगे, जैसे अभी अभी आपने लिखी थी सेम वही थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखोगे, जैसे कि दो कण हैं, यदि दो कण से मिलकर बना हुआ है तो क्या लिखी थी, माना हमारे पास कोई निकाय है जो दो कणों से मिलकर बना है, या माना किसी निकाय में दो कण है, या दो कणों के निकाय में जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, जिनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है, माना कि निकाय के अंदर एक द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र CM है, तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ऐसे निकाल लोगे। तो अब इसमें n कणों का है तो उसमें क्या लिखोगे, माना कोई निकाय, इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, माना कोई कण, कोई निकाय या कोई भी सिस्टम n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 m2 m3 ऐसी बहुत सारे हैं mn, तथा जिनके स्थिति सदिश, इन कणों के स्थिति सदिश, मूल बिंदु से स्थिति सदिश r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, ऐसे rn वेक्टर है, माना इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र CM है, जिसका द्रव्यमान MCM है, यानी कि इसका हमने मान लिया कि इसका, माना इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र CM है, ओके, तब इस द्रव्यमान केंद्र का, इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा। ये n कणों का मिलकर बना हुआ, पहले थ्योरी एक बार देख लो, थ्योरी देख लीजिए फिर आगे आपको समझाता हूं। तो अभी जो थ्योरी मैंने बोली है वही आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी, वीडियो में आपको चल जाएगी। चलिए इसको समझते हैं हम, देखिए भैया जो n कणों से मिलकर द्रव्यमान केंद्र की गति करेंगे तो उसमें भी थ्योरी ऐसी लिखनी है, क्या है, माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डडडस mn है, और इन कणों की मूल बिंदु से स्थिति r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, ऐसे ही rn वेक्टर, यानी पहले कण का स्थिति सदिश ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, ऐसी बहुत सारे n तक हैं, तो n तक सबके अलग अलग स्थिति सदिश हैं, ठीक है। तब माना निकाय का द्रव्यमान केंद्र CM है, तब निकाय का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, m1 r1 m2 r2 ऐसे ही सबको जोड़ते चले जाओ mn तक, तो ऐसे ही है m1 प्लस m2 प्लस mn, तो m1 प्लस m2 प्लस mn बनाकर क्या मैंने बोली है वही आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी, वीडियो में आपको चल जाएगी। चलिए इसको समझते हैं हम, देखिए भैया जो n कणों से मिलकर बना हुआ है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था RCM, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस इसी तरीके से आगे तक जाएगा mn rn वेक्टर, ऐसे ही m1 प्लस m2 प्लस डडडस mn, समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हो रही चाहिए आपको, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको हमने क्या बताया था, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का टोटल वजन में मान के चल रहा हूं 20 ग्राम है, अब इसको मैंने अलग कर दिया, दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया इस मार्कर को, इसका वजन, इस कैप का वजन 2 ग्राम है,
तो इस पूरी इस बॉडी का वजन कितना बैठेगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता चल गया इस एक पार्टिकल का वजन 2 ग्राम है और इस दूसरे पार्टिकल का वजन 18 ग्राम है। टोटल को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, फिर से 20 ग्राम बन जाएगा। यानी कि ये मार्कर को ऐसे जोड़ दिया, इस टोटल को जोड़ा, फिर से 20 ग्राम बन गया। सेम वही कंडीशन इसमें, एक पार्टिकल का वजन M1, M2, M3, ऐसे हम N पार्टिकल्स थे, उन सभी पार्टिकल्स का यदि हम टोटल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी या टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द कोई भी ये सिस्टम। ठीक है, तो इस टोटल मास का मतलब क्या हो जाएगा, ये M1, M2, M3 इसका मतलब क्या है। तो हम मान के चल रहे हैं कि भैया मना इस वस्तु का यानी कि इस निकाय का कुल द्रव्यमान बराबर कितना, कैपिटल M मान लिया, कुल द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया M1 प्लस M2 प्लस डैश MN बराबर कैपिटल M हो जाएगा, इसकी जगह पर कैपिटल M हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया RCM बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश ऐसे इसको मिटा दे रहा हूं, प्लस MN RN अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M को इधर ले आएंगे तो कैपिटल M RCM बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस MN RN वेक्टर। ठीक है, ये फोन आ रहा है हमारा, हेलो जी सर बताइए, आ रहे हैं, कहां पर हो आप? ठीक है मैं आ रहा हूं, बस घंटा का था। तो देखिएगा यहां तक समझ में आ गया, यहां के बाद में हम क्या करेंगे देखिएगा, इसका हम क्या कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी टी, ये आर सी एम हो जाएगा बराबर, ये एम वन भाई इसका अवकलन करेंगे, सबका अलग अलग अवकलन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो बात को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो तो देखिएगा, पहले आप इस तरह से करोगे और ये आ जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, इसी तरीके से आगे लेके जाएंगे MN RN वेक्टर। तो ये देखिएगा M, ये कैपिटल M है, ये किसी स्थिति सदिश का यदि हम अवकलन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, किसी स्थिति सदिश का समय के साथ परिवर्तन का, यानी स्थिति सदिश यानी दूरी, दूरी परिवर्तन की समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये क्या बन जाएगा अपने आप में, VCM बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसका अलग अलग कर देंगे, M1 डी अपॉन डी टी, ये R1 वेक्टर आ जाएगा, प्लस M2 डी अपॉन डी टी, ये R2 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे तक लेके जाएंगे, MN बाहर डी अपॉन डी टी, और ये RN हो जाएगा, ये अपने आप में कैपिटल M, ये VCM आ जाएगा। इसी तरीके से ये M1, ये R1 यानी R1 का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, V1 वेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से M2, ये क्या बन जाएगा अपने आप में, V2 बन जाएगा, क्योंकि ये पहले पार्टिकल का हमने करा, दूसरे का करेंगे इसी तरीके से आगे चलेंगे, तो ये MN और ये आ जाएगा VN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो एम डी अपॉन डी टी, ये VCM आ जाएगा बराबर, ये M इसका अलग अलग कर दे रहा हूं डायरेक्टली, ये V1 प्लस M डी अपॉन डी टी, ये V2। इसी तरीके से आगे करेंगे, ये MN डी अपॉन डी टी VN कितना आ जाएगा। अब आप समझ गए, ये देखिएगा वेग का डिफरेंशिएट कर देते थे तो क्या बन जाता है, वेग का डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया था आपका, तो ये क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, त्वरण। तो ये CM लग रहा था, इसमें भी CM लगा दिया, ये M1 ये A1 आ जाएगा, A1 वेक्टर, ऐसे ये M2 ये A2 वेक्टर आ जाएगा, प्लस ऐसे ये MN और ये आ जाएगा AN वेक्टर। ये आप समझ ही रहे हो कि बल बराबर क्या होता है, नॉर्मली ये होता है। तो इसी तरीके से ये F1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M1 A1 हो जाएगा, ऐसे ये F1 F2 F3 इसी तरीके से हो जाएंगे, तो मतलब ये आ जाएगा कैपिटल A CM
ये एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस डेडेडस एफ एन वैक्टर। तो कैपिटल ए सी एम बराबर क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या मान सकता हूं, ये मतलब ये है कि ये पहले कण पर लगने वाला बाह्य बल F1, दूसरे कण पर लगने वाला बाह्य बल F2, तीसरे कण पर लगने वाला बाह्य बल F3, इसी तरीके से n कणों पर लगने वाला बाह्य बल है। तो ये टोटल यदि हम सभी का, जैसे हम बोलते हैं कि M1, M2, M3 को जोड़कर कैपिटल M बन गया, यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी बन गया, ऐसे टोटल कणों का जो हम बल जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बाह्य बल। टोटल हम इस पर कितना फोर्स बाहर से लगा रहे हैं वही तो ये अनुभव कर रहे हैं छोटे छोटे कण। भाई ये मार्कर है, इस मार्कर पर मैं 10 न्यूटन का बाह्य बल लगा रहा हूं, तो मतलब क्या है कि ये बॉडी भी 10 न्यूटन का बल और ये भी 10 न्यूटन का बल अनुभव कर रही है, तो उसी का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा बाह्य बल। तो इसको बोल देंगे टोटल, हम बोल देंगे ये टोटल बन गया बाह्य बल, ये एफ एक्स टी मतलब क्या बन गया, बाह्य बल बन गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से इसी समीकरण से इसको मैंने समीकरण एक मान लिया, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये देखिए त्वरण, ये गति, त्वरण का मतलब गति हो गई और ये बाह्य बल, तो और ये द्रव्यमान, ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो गया, ये टोटल बाह्य बल हो गया। तो मतलब द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वो इस तरह से डिपेंड कर रही है जैसे कि मानो वस्तु पर लगने वाला सारा बाह्य बल यानी समस्त बाह्य बल उसी पर केंद्रित हो, यानी इस सीएम पर केंद्रित हो, ठीक है, और इसका द्रव्यमान, पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भी इसी पर केंद्रित हो, इसी के साथ ही आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र इस तरह से गति करता है जैसे कि मानो वस्तु का सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि सारे बाह्य बल यानी समस्त बाह्य बल भी इसी पर कार्यरत हो या कार्य कर रहे हो। समझ में आ गई बात, चलिए यहां तक प्रूफ हो गया, थोड़ा सा लिख लो डेफिनेशन, देख लो किस तरह से लिखी जाएगी, वो चीज देख लीजिए आप। देखिए अब देखिए आपका ये जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन अभी अभी मैंने आपको समझाया, पूरा बोर्ड पर पूरा समझ में आ गया है, कैपिटल एम ए सी एम, तो ए सी एम क्या है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आप समझ ही रहे हो, तो ये सारी चीज आ गई है। अभी अभी हमने समझाया, तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिख दिया है हमने क्या है। अतः स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इसी पर केंद्रित अथवा स्थित हो, देखो केंद्रित लिख लो, केवल स्थित को मार देना गोली, ठीक है, इसी पर केंद्रित हो तथा समस्त बाह्य बल भी इसी पर, इसी बिंदु पर कार्यरत हो। तो यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया, यहां के बाद में यानी कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा बिंदु होता है किसी वस्तु के अंदर जो इस प्रकार से गति करता है जैसे कि मानो वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो और मानो समस्त बाह्य बल उसी पर कार्यरत हो, राइट। चलिएगा अब यहां से आगे इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब यहां से आगे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। क्या बोला है, सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको कैसे सिद्ध करो, ये सारा कुछ आपको वैसा का वैसा ही करना है, चित्र भी थ्योरी भी वही काम करना है, पूरा का पूरा इस समीकरण के आगे आपको करना है, वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये पूरा याद रख लेना, यहां तक तो करना ही करना, ठीक है, यहां तक तो करना ही करना है, ठीक। तो क्या है देखो मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो यहां तक तो आपको करना है पूरा थ्योरी कि माना कोई कण एन कणों से, कोई निकाय एन कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान क्रम से एम वन एम टू एम थ्री डेडस एम एन है,
जिनकी मूल बिंदु से स्थिति R1, R2, R3, Rn है। तो इस तरह से पूरा आपको यहां तक करना है। यहां के आगे जैसे कि आपका ये चीज आ जाती है एम ए सी एम, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो गया एफ ई एफ टी, ये आ जाता है। चलिए यहां से आगे आप क्या करोगे, यहां से आगे इसने क्या कहा कि बाह्य बल की अनुपस्थिति, कहां से लिख देंगे बाह्य बल की अनुपस्थिति, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में अर्थात एफ ई एफ टी, यानी एफ ई एफ टी का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कितना हो गया जीरो हो गया, तो क्या आ जाएगा एम ए सी एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए सी एम बराबर जीरो आ गया, एम भी जीरो में चला गया क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित कर दिया, तो बाह्य बल का योग कितना होगा जीरो हो गया। ये यहां से आगे ये जो आपका ए सी एम आया है ये जीरो आया, ए सी एम का मतलब क्या डी बटे डी टी और वी सी एम, यही तो था ये चीज। तो अब आप एक चीज समझो पुराना पहुंचो कि इसका मतलब इसका अवकलन करने पर ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वी सी एम पहले क्या रहा होगा कॉन्स्टेंट रहा होगा, तभी तो ये जीरो आया। जैसे कि आपका वाई बराबर आपका पांच है और मैं इसका डी वाई बटे डी एक्स कर दूं तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्यों क्योंकि पांच का अवकलन जीरो, किसी भी कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई, यदि मैं कह रहा हूं कि डी वाई बटे डी टी या डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब ये रहा कि वाई बराबर कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू रही होगी, तभी तो आपका वाई बराबर कोई भी पांच यानी कॉन्स्टेंट है, तो वाई बराबर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, तभी तो वाई का अवकलन जीरो है। तो ये एसीएम, एसीएम का मतलब क्या है कि एसीएम वही चीज के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी यदि कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन तभी तो जीरो होगा, तो ये चीज आगे भी, तो अर्थात इससे स्पष्ट होता है, हाथ ले लेंगे अतः स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट होता है कि, या स्पष्ट है कि किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बलों का योग शून्य हो तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, और इस प्रकार किसी निकाय का आंतरिक बलों के कारण स्वतः त्वरित होना संभव नहीं है। मतलब यही कि क्या बोला है हमने कि भैया बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। सिंपल सी बात यह है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। यह है, जब भैया वेग स्थिर रहेगा तो मतलब कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा तो उसको त्वरित करना संभव है, यानी उसके वेग को अपने आप नहीं बढ़ा सकता है कोई भी, यानी जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाएगा तो वो उस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो ना तो घट सकता है ना ही बढ़ सकता है। समझ गए बात को, चलिएगा तो ये इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। चलिए तो आई होप का आपको ये समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्पष्ट है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, लो हो गया स्पष्ट, ये चीज लिख देंगे इसके नीचे, ये चीज यहां पे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये सवाल आप क्लियरली कर पाओगे, ठीक है। तो आज द्रव्यमान केंद्र खत्म हो गया, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यहां से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी आएगा तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा आ सकती है या द्रव्यमान केंद्र की गति आ सकती है या इस तरह से आ सकता है, या कभी कभी क्या कह लेता है द्रव्यमान केंद्र का क्या कह पूछ लेता है, द्रव्यमान केंद्र का आपसे वो पूछ लेता है संवेग वगैरह, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। चलिए तो आई होप का आपको सब कुछ समझ में आ गया है भाई। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों तक शेयर करा करो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।